Hi everyone, welcome back to my channel Meenakshi's Creative Corner. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. So friends, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बालकनी एंड गार्डन डेकोर DIY. So friends, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल बटन, ताकि आपको मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके. सो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो. और इसमें मैंने मोल्डेड क्ले लेके दोनों को हार्डनर और रेजिन को मिक्स करके अच्छे से दोनों को मिक्स करके मैंने क्ले अपनी रेडी कर ली और इसको मैं शेप दे रही हूँ आउल का. सो फ्रेंड्स, ये क्यूट क्यूट जो स्टेक्स हैं, ये बहुत ही क्यूट लगते हैं हमारे प्लांट्स में और इससे आपकी बालकनी का एकदम से लुक चेंज हो जाता है. और आप लोग के साथ में मैं पहले भी स्टिक्स एक बार शेयर कर चुकी हूँ और बालकनी गार्डन डेकोर के DIY मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. और मैंने बहुत सारे इस तरीके के DIYs पहले भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम अपनी बालकनी गार्डन डेकोर में इस तरीके की चीज़ें अगर आप लगाएं तो इस तरीके से बालकनी हमारी बहुत देखने में खूबसूरत लगती है. और देखिए, हमारा क्यूट सा एक आउल एक रेडी हो रहा है और इसके अब हम विंग्स बना रहे हैं. तो ये देखिए, इस तरीके से आप विंग्स बनाइए. और आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं, आप फ्लावर बना सकते हैं, शिप का बना सकते हैं. और इस तरीके के ऑर्नामेंट्स ऐड करने से हमारे बालकनी में या गार्डन में एक अलग ही एक बालकनी का लुक निखर के आता है. सो देखिए, इस तरीके से बनने के बाद, ड्राई होने के बाद में हम इसमें कलर अप्लाई करेंगे. तो देखिए, मैंने इसमें सिंपल ग्रीन और येलो रेड से करके, और अब मैं आपको सिंपल इसमें हाईलाइट बता रही हूँ करके ब्लैक कलर से. बस देखिए, इस तरीके से हमें जो हमने इसमें जो डिज़ाइन जो शेप दिया है उसमें हम ब्लैक कलर से हाईलाइट करेंगे, ताकि जो हमने इसमें जो शेप दिए हैं वो इस तरीके से इसमें उभर के सामने आए. तो देखिए, हमारा आउल का स्टेक्स रेडी हो गया है. गाने में बहुत प्यारा लगेगा. और आप चाहें तो बैम्बू स्टिक यूज़ करिए या फिर आप कोई भी ऐसे मेटल की स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं. टोटली आपकी चॉइस पे है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए. अब देखिए, हम अपना सेकंड शेप बना रहे हैं और ये मैं एक स्नेल बना रही हूँ. और इस तरीके से देखिए, हमने ईजिली इसमें भी स्टिक को इसमें इंसर्ट कर दिया. और ये एकदम ईजी तरीके से आप बना सकते हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. और मैं आपके साथ में बहुत ही इजी तरीके से ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ताकि आप ये इजी आपको बनाने में आसानी रहे. और देखिए, अब स्नेल के मैं पूरी तरीके से इसमें आइज़ वगैरह सब कुछ इसमें लगा दूँगी. तो देखिए, इस तरीके से. तो अब देखिए, हमारा स्नेल बिल्कुल रेडी हो गया है. और अब हम इसको ड्राई होने के बाद इसमें हम कलर अप्लाई करेंगे. तो कलर के लिए देखिए, आपकी टोटली चॉइस है कि आप जो भी चाहें वो कलर आप अप्लाई करिए. तो देखिए, हमारा स्नेल भी रेडी हो गया है और ये इतना कलरफुल लग रहा है कि ये बहुत प्यारा लगेगा जब हम इसको अपने प्लांट्स के बीच में लगाएंगे. तो अब चलते हैं अपने थर्ड DIY पे. इसके लिए मैं एक ले रही हूँ एम्प्टी बॉक्स. तो इसके लिए देखिए क्या करना है, हमें पहले इसके कॉर्नर के एजेस में हमें जो है क्ले अच्छे से लगा लेनी है, ताकि एक बॉर्डर भी क्रिएट हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे. तो इस तरीके से देखिए, हम एक ट्री का इसमें एक स्ट्रक्चर देंगे. तो मैं यहाँ पे एक बेसिकली एक बर्ड हाउस एक रेडी कर रही हूँ, जो कि हमारा ट्री में है, एक ट्री के अंदर है.
और देखिए इस तरीके से ये क्ले से मैं इसमें कट करके और इसमें शेप एक रेडी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कार्विंग भी करूँगी ताकि ये बिल्कुल एक ये हार्ट का शेप ले ले अच्छा सा। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा एक हार्ट ये रेडी हो चुका है और हम इसमें डिटेलिंग करेंगे और जितनी ज़्यादा हम इसमें डिटेलिंग करेंगे फ्रेंड्स उतना ही ज़्यादा हमारा ये प्लांटर खूबसूरत लगेगा। तो अब देखिए मैं इसमें जो है बॉर्डर के लिए मैंने इस तरीके से क्ले को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये टोटली आप इस तरीके से आप जैसे चाहें आप डिज़ाइन शेप बना सकते हैं। तो अब देखिए हमारी क्ले ड्राई हो जाने के बाद में मैंने बेस कोट पहले इसमें वाइट लगा के ड्राई हो जाने के बाद ही हम इसमें येलो एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे। तो बेस कोट हमें ज़रूर लगाना होगा फ्रेंड्स ताकि हम जो कलर यूज़ करें वो अच्छे से इसमें निकल के आए। तो अब देखिए इसमें अब देखिए हम येलो एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो भी हमने डिटेलिंग कर रखी है अब हम उसमें कलर अप्लाई कर रहे हैं। ये हम अपने इसमें चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर अप्लाई करेंगे जो आपको पसंद हो आप उस तरह से अप्लाई करिए। तो बेसिकली ये एक बर्ड हाउस है तो मैंने इसमें ट्री बनाया हुआ है तो इसके लिए मैंने पहले ट्री के स्टैम्प के लिए मैंने इसमें ब्राउन और रेड का शेड देते हुए ही इसमें मैंने बर्ड हाउस को इसमें बनाया है। तो देखिए ये एक बर्ड हाउस है तो इस तरीके से एक बर्ड्स हैं तो उसमें दो बर्ड्स बैठी हुई हैं एक बर्ड हाउस है और इसके आसपास मैं इसमें ग्रीन लीव्स बना रही हूँ ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे देखने में बिल्कुल एक एकदम से पेड़ का लुक इसमें आए। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लांटर एक तरीके से बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी लग जाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी ये स्टिक्स लग रही हैं। तो देखिए प्लांटर भी हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है और बन जाने के बाद में कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स ये। तो आई होप कि आपने आज का वीडियो ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर कॉटेज डीआईवाई आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।